Thank you.
और पंचम श्रीमद् भागवतम भगवान के नाभि बताया गया, नाभि नेवल, और षष्ठ सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के दो भुजा बताए, बाहु और नवम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के कंठ बताया, मंत्रदेश और दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के ये मुखारविंद बताया, प्रफुल्ल मुखारविंद भगवान के सुंदर मुख कमल ये दसम स्कंद और एकादश ग्यारह स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के ललाट देश बताया और द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के माथा मस्तक देश बताया। तमादिदेवं पुनर्निधानं तमालवं सुतापदारं अपार संसार संसार से समुद्र भवाने भवलब्धि भजामि भागवतम। ये अपार संसार पार करना संभव नहीं है, किंतु कोई यदि ये श्रीमद् भागवत के आश्रय ग्रहण करे तमादिदेवं पुनर्निधानं तमार वर्णन सुविधा अवतारम स्वयं भगवान भगवान के सुही जन मित्र के रूप में ये श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकटित हुए। यह भागवत रूपी महान नौका वा तरीके कोई आश्रय करे तो अनायास रूप में अति सहज रूप में इस संसार के महान समुद्र के पार कर सकते। इसलिए भागवत के श्रवण करना चाहिए, इससे मान भागवत के प्रथम स्कंद में तीन श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण होना। देखो श्रीला वैष्णव के समय पार 18 पुराण उन्होंने रचना की, कितने पुराण 18 पुराण रचना की, उसमें तीन सात्विक पुराण तीन राजसिक पुराण और तीन तामसिक पुराण, सात्विक राजसिक और तामसिक। श्रीमद् भागवत ऐसे अनूठा ग्रंथ है और उन्होंने अनेक पुराण आदि ग्रंथ किया, उपनिषद प्रकट किया 11180 उपनिषद ने उन्होंने प्रकाश किया, वेदांत दर्शन सभी पुराणों में उन्होंने कोई देवगण की स्तुति आदि की जिन विघ्न नाश के लिए, मंगलाचरण में कहीं किसी पुराण में शिव जी की स्तुति कर दी, किसी पुराण में और किसी देवदेवों की स्तुति आदि की विघ्न दूर करने के लिए, किंतु श्रीमद् भागवत में कोई देवगण की स्तुति नहीं। श्रीमद् भागवत में श्री वैष्णव जी ने डायरेक्ट सच्चा रूप में भगवान के नाम ही कीर्तन कर दिया, नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रकटित हुई और श्रीमद् भागवत नाम संकीर्तन के द्वारा इसमें भी मध्यस्थल में नाम संकीर्तन की महिमा प्रकटित कर और अंत में श्रीमद् भागवतम नाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने समाप्त किया, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवत स्वरूप ही है। जैसे मैंने आदि के निगर वर्णन
स्वरूप ही है और विशेष करके कलयुग में नाम स्वरूप ही भगवत स्वरूप का नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अनित्यत्वात् नाम नामी नाम और नाम में कोई भेद नहीं है इसलिए कलयुग में और कुछ कर रहे हैं नाम कीर्तन करना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम इसलिए कलयुग में ध्यान के बारे में नहीं कहा करते कहेंगे त्रेता जजते मुखे त्रेता युग में लोग क्या करते थे जपन करते थे फायर सैक्रिफाइस करते थे जपन करते थे कलयुग में जप करना संभव नहीं है तीन घंटे चार घंटे बैठ करके जपन करना अग्नि देवता के साथ आहुति देना बहुत कठिन और कलयुग में यज्ञ के सारे सामग्री भी मिलना भी बहुत कठिन है शुद्ध घी तो मिलता ही नहीं इसलिए कलयुग में यज्ञ भी निरस्त करना है तापोरे परिचर्या तापोर युग में लोग अर्चन करते थे किंतु कलयुग में अर्चन करना भी दुस्साध्य हो गया इसे क्या करे ना कलयुग में केशव नाम संकीर्तनम कलयुग में भगवान श्री हरि केशव के नाम संकीर्तन हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलु कलयुग में केवल नाम संकीर्तन का है इसलिए श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव जी ने मंगलाचरण पहले श्लोक मंगलाचरण के द्वारा ही नाम संकीर्तन की महिमा दिखाई है जन्मादश्य जप अन्मयादि सत्तरस्तत्र अर्थे सुपवित्रम सरार देने ब्रह्म हिदात आदि कावये जन्ति यत्सूप्रय देशो पारिमृतं जथा विनिमय यत्र त्रिसर्जो अमृता धम्ना सेन सदा निरस्वं गुहापं सत्तं परं सत्तम परम विमही श्री वैद्य जी ने सत्त परम को मैं ध्यान करता हूं नमस्कार करता हूं ध्यान करता हूं जिससे जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय तीनों प्रकटित जतोवा इमानी जातानी जीवंती जिज्ञासा सतत ब्रह्म इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सब भगवान से ही प्रकटित हुए हैं आप कहां से आए भगवान से कौन आपके पालन पोषण कौन कर रहे हैं भगवान और जो कुछ भी देख रहे हैं एक दिन सब नष्ट हो जाए ध्वंस हो जाए यह ध्वंस कैसे हो जाता है भगवान की इच्छा से अर्थात भगवान की इच्छा से ही
प्रकट भगवान की इच्छा से पालन पोषण और भगवान की इच्छा से सब इसलिए कार्य जन्मादि अर्थेश भगवान सतत स्वेच्छामय पुरुष है। इस संसार को सृष्टि क्यों करते हैं और ध्वंस क्यों करते हैं कोई इसको बता नहीं सकते, बता सकते हैं क्यों भगवान इस संसार को सृष्टि किया और अंत में सब कुछ क्यों ध्वंस कर देते हैं। महाप्रलय हो जाता जैसे आज कुछ साल पहले इसी भुज में है, भूचाल आ गई भूकंप, कितने बड़े बड़े मकान सब मिट्टी के नीचे चले, कितने समय में गए, 2 सेकंड 4 सेकंड बस है पता ही नहीं चला ये कब ऐसे भूचाल हुई और कब बस मिट्टी के नीचे समा गए। उसके लिए कहीं कुछ कर नहीं सकते। इसलिए कहते हैं सृष्टि भगवान सृष्टि करने वाला है, ही द सुप्रीम क्रिएटर और वही सुप्रीम डिस्ट्रॉय सब कुछ करते हैं। क्यों सृष्टि क्यों करते हैं और ध्वंस क्यों करते हैं ये कोई बता नहीं सकते। इसलिए कहते हैं भगवान से अच्छा मैं पुरुष, हम भी संसार में देखते हैं कि बालक जन्म लेते हैं, मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, फिर वृद्ध काल आ जाता है और फिर अंत में शरीर छोड़कर के चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं कोई बता सकते हैं? ये संसार में आपकी क्या संबंध क्या है और इस संसार से किन आपको जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये सब तो क्या है, एक दिन हमें जाना पड़ेगा, जाना तुझको पड़े अकेला, कोई साथ में जाएगा, कोई साथ में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, अकेला आए हैं और अकेला जाना पड़ेगा और जाने के समय क्या चीज लेकर के जाएंगे कुछ नहीं बताओ, मुट्ठी बन के आया तू आप खाल के जाए। बालक जब मातृ गर्भ से जन्म लेते हैं ना ऐसे बच्चे उंगली बंधन क्या, जब हम शरीर छोड़ शरीर छोड़ देते हैं तब सारे उंगली ऐसे सीधी हो जाते हैं, खाली हाथ में चल बोले जब मुट्ठी बंद करके लिए क्या चीज लेकर के आए थे, कोई धन संपत्ति लेकर के नहीं आए, क्या चीज लेकर के आए थे, अपने कर्मों उनको जन्म की जो कर्म जो है अच्छी और बुरी कर्म लेकर के आ गए और उसी की भोगते के बाद समय के अनुसार से जाना ही पड़ेगा। देखो मैं एक बात कहता हूं, मैं पामिस्ट नहीं हूं, हाथ देखने वाला नहीं हूं, किंतु आप लोग अपने हाथ को तो देखिए ऐसे हाथ करिए, क्या देख रहे हैं दोनों हाथ में, कुछ रेखाएं है ना, पानिस्ट पास जाइए बता देंगे ये भाग्य रेखा है, ये धन रेखा है, ये विवाह रेखा है, ये विच्छेद रेखा है, विवाह विच्छेद रेखा है, ये पुत्र कन्या की रेखा है, ये सारी बात बता देंगे, बुध बृहस्पति विष्णु प्रश्न सारे ग्रह की बात बता देंगे, भाग्य रेखा भी बता देंगे, सब कुछ बता दूंगा। अच्छा ये रेखाएं किसने बनाया, किसने
आप बताइए ये रेखाएं किसने बनाया, क्यों बनाया? ये बोल रहे पीछे से बोल रहे हैं भगवान बनाया, भगवान ने बनाया? मैं तो आपको आपके माँ ही बना दिया, जब आपने छोटा जन्म लिया ना शांति साथ आपने माँ ने किया कि एक चाकू लेकर के ऐसा ब्लेड लेकर काट करके बना दिया, बनाया क्या होता है? नहीं बनाया, अपने माँ भी नहीं बनाया, भगवान भी नहीं बनाया। ये बनाया किस लिए, ये रेखाएं बनाया किस लिए, कौन बनाया? ये बनाया अपने आप ही बनाया, ये तो केवल रेखा मात्र है, लाइन। ये रेखा कहां से आई? आपने पूर्व जन्म पूरा जन्म में जैसे कर्म किया उस कर्म की रेखा ये पर बनाया है। ये कर्म समाप्त तो हो जाए इस जन्म में आप सुनी छोड़ दो, लिखा है जब आप मातृगर्भ से जन्म लिया उसी समय आपके निर्धारित हो गया इस जन्म में आपको कब तक रहना है। ये लिखा है और कैसे भोगना है क्या करना है सब लिखा है। मामिस्ट्री के पास जाइए और एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, बता देंगे भोगना पड़ेगा, कोई आपको रोक नहीं सकते, रोकेगा कोई? वो जितने भी ताबीज ग्रहण कर लीजिए, जितने भी कुछ भी ग्रहण करें कोई रोक नहीं सकता। थोड़ी समय के लिए रुकवा देते हैं सब कर देते हैं, किंतु भोगना ही पड़ेगा। जो कुछ भी कहे कोई रोक नहीं, रोक नहीं सकते। ताप जनन ताप मननम ताप जननी जठरे शयनम, बार बार इस संसार में मर जाना पड़ेगा जब तक तुम्हारी कर्म फल रहे हैं, जब तक ये शरीर आएगा तब तक कर्म ही रहते रहे। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मणा गहना गति, ये कर्म के गति जो है चलन जो है अत्यंत गंभीर है, इसके जोड़ कहां है कौन बता सकते हैं? इसे कहते हैं शास्त्र कहते हैं अनंत काल से हम सब इस संसार में घूम रहे हैं, इससे मुक्ति होने के उपाय क्या है ये तो सब सुन लिया है? अच्छा मैं बताओ, आप लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं पामिस्ट के पास जाते हैं वो तो स्वयं ही भोगते हैं, तो आपको क्या करना? श्रीमद् भागवत संदेश दे रहे हैं आगे जाकर के बजामन के उपाख्यान में कथा में शस्त्र छंद में एक मत उपाय है क्या? भगवत नाम ग्रहण के बाद नाम ग्रहण करने से सारे पाप ध्वंस हो जाता है और पूरे संसार में आना नहीं पाएगा। और कलयुग में हरिनाम करना है बस और कुछ करना नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम भागवत में मंगलाचरण निकाले जा रहे जन्मादश्यतः अन्य आदि सरान स्वयं शिक्षा में पुरुष स्वतंत्र शिक्षा में उनकी क्रिया को कोई नहीं जान पाते, क्यों सृष्टि करते क्यों ध्वंस कर देते हैं? ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के ऐसे क्रिया आदि को देख करके भ्रमित हो जाते हैं, विभ्रम हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं पाते सुप्रधीत मानव क्या समझता है। इसलिए कहते हैं मुझंती जब सूरयो
तेजो बारी मृदाम तथा विनु चंद्र भीषण को अमृषा अहो उनकी माया ऐसे प्रबल है उस माया के द्वारा जीव मोहित हो जाते हैं अपने को भूल जाते हैं तेजो बारी मृदाम भगवान की ऐसी इच्छा से स्थल जल के रूप में प्रतीत होता है प्रत्यक्ष जहां पर स्थल है जल के रूप में दिखाई पड़ता है जहां पर जल नहीं है वहीं पर लगते हैं पानी और जहां पर पानी है वहीं पर लगते हैं क्या स्थल देखे दिखाई पड़ता है इसलिए तेज वारी मतलब सभी विपरीत धारण कर लेते हैं धामना सेन सदा निरस्तम भगवान सत्तम परम धीमे उनकी बारे में जानना सहज नहीं इसलिए सप्त वस्तु भगवान के अनुसंधान करें वो परम पुरुष कौन है वदंति तत्कृतस्तम जगन्नाथम प्रमेति प्रमाणि भगवान की सप्तति वही पर ब्रह्म भगवान उनके ज्योति स्वरूप जिसको अद्वैतवादी कहते हैं ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म जो भी लोग देव योग आदि के द्वारा परमात्मा की ध्यान करते हैं और भक्त लोग अपने भक्ति के द्वारा उनके साक्षात रूप में दर्शन करते हैं इसे कहते हैं भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति भक्ति पौषक पुरुष हो गया एव भक्ति एवनंती भक्ति के भक्ति भगवान के तरफ ले जाती है भक्ति के द्वारा भगवान के दर्शन होता है इसलिए कर्म कैंप जो अद्भुत प्रणाम करते हुए भक्ति के अनुष्ठान करें इसलिए यहां पर सप्तम परम धीमहि ये सप्तम वस्तु क्या है एक मंत्र संत भगवान एक हमारे आचार्य के पास कहते हैं इस जगत में जो हम देखते हैं ये क्या असत्य क्या है सत्य नहीं है झूठ है क्या कहीं ये भी काम नहीं सकते जैसे अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार पेड़ पौधे देख रहे हैं क्या झूठा है अरे नहीं इसे कहा जाता काली सत्य का है अथवा परिवर्तन से टेम्पोरल आज देख रहे कुछ सालों के बाद देख नहीं पाए और दूसरी बात है परिवर्तन हो जाता है यहां पर इसे विशाल मकान देख रहे हैं 6-7 साल के बाद मकान गिर जाए 5 साल के बाद मकान गिर जाए मकान नहीं रहे इसलिए कहते परिवर्तन हो जाता है इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं सब परिवर्तन है किंतु भगवान परम सत्य वो नित्य कहा जाता है वो परिवर्तन नहीं होता है इसलिए सत्य वस्तु क्या है परम सत्य एक सत्य है और एक परम सत्य जो सत्ताकारी जगत में कहा जाता है तो तात्कालिक सत्य पेजन कुछ हो जाता है अभी देख रहे हैं सत्य किंतु परम सत्य नित्य सत्य एटर्नल एंड कंसिस्टेंट होता है तो परम सत्य भगवान आत्मा और परमात्मा जिसकी कभी विनाश नहीं है और विनाश आत्मा की विनाश नहीं है उसी प्रकार आत्मा के आत्मा परमात्मा के भी विनाश नहीं अविनाश जिसके जन्म नहीं है जिसके सृष्टि नहीं है उसकी ध्वंस भी नहीं हमारे आचार्य के पास संदेश देते हैं यही समाचार देते हैं जिसके सृष्टि है उसके ध्वंस जिसके सृष्टि नहीं है उसके ध्वंस है आत्मा सृष्टि नहीं आत्मा नित्य है अजो नित्य शाश्वत चिरंतन
न जाया कोई मामूली जिसके जन्म भी नहीं, जिसके जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। आज जो रिक्त शासन तो न हनते हनमान शरीर, ये आत्मा और परमात्मा जी भगवान नित्य है। इसलिए उनके मृत्यु शब्द व धन से भी शब्द ही नहीं। इसलिए परम सत्य स्वयं भगवान, वही हुआ भगवान के मैं बार बार ही वही ध्यान करता हूं। इसे श्रीमद् भागवत में साक्षात रूप में मंगलाचरण के रूप में भगवान की ही ध्यान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। जिनके नाम लेते ही भवसिंधु सुखाई, जिनके नाम ग्रहण करने से भवरूपी समुद्र अपने आप सुख जाता है। देखो भगवान के नाम की महिमा दिखा रहे हैं। मैं इसलिए कहे श्रीमद् भागवत में नाम संकीर्तन के द्वारा ही प्रारंभ हुई। इसलिए सत्य सत्य स्वरूप है भगवत, नाम सत्य है, नाम ही सत्य है। कलयुग का कोई नहीं नाम सत्य है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। देखे सच में बताता हूं, जब कोई मर जाता है, कोई मनुष्य जब मर जाता है, उसके मृत शरीर जब ले जाते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? राम नाम सत्य है। और सत्य कहने से राम नाम सत्य है, राम कहो कृष्ण कहो यही सत्य है। और राम नाम छोड़ करके और जितने भी अंग है सब झूठा है, मानते हैं। इसलिए जब मृत शरीर के शमशान में ले जाते हैं तब वही कहते हैं बस राम नाम सत्य है। और सत्य कहने से गति, तुम्हारे भी एक नाम राम नाम, किंतु उस समय कहीं से क्या होता है? राम नाम तो जपाई नहीं है, और जब इस शरीर छोड़ दिया और उस समय कोई कहे राम नाम सत्य है तो क्या है? इसलिए कहा जब तक शरीर में प्राण है, वायु है, प्राण वायु है, राम नाम जप कर लो, कृष्ण नाम जप कर लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी श्लोक के द्वारा श्री वैद्य जी ने बता रहे हैं, धर्म प्रज्जीत पैरव अत्र परम निर्मसनां सदा वेत्तं पाश्रम अत्र वस्तु त्रिशीवदं तापोत्रो मूलनं श्रीमान भागवते महामुनि कृते लिंगा परिश्वरः सत्तो हित अवरुद्धते पृथिवी शुश्रुभि तत्क्षणा। धर्म प्रचित पैतृ पत्र परम निर्मसनं सदा। देखो श्रीमद् भागवतम निर्मत्स साधुओं की एक बार तो प्राण स्वरूप का हो गया। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते, ये श्रीमद् भागवत महामुनि जैन बड़े बड़े संत महात्मा ही प्राण स्वरूप है। वेद वास्तु वस्तु एक मतलब भगवान स्वरूप ही है। वेद वास्तु वस्तु तापत्र मलम, और यह श्रीमद् भागवत श्रवण आदि करने से समस्त ताप त्रिताप ध्वंस हो जाता है, आध्यात्मिक आदिदैविक और आदिभौतिक तापत्र मलम। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते, ये श्रीमद् भागवतम महामुनि सुखदेव वसनपाद के द्वारा ही कृतित हुए। आगे जाकर सुखदेव कृष्ण के जीवन चरित्र हम वर्णन करेंगे। शब्द हृदय से कृति भी सुश्री तत्ना। देखो भागवत का
विभाग सुश्रुभि सुनने की इच्छा, उन्हें के साथ ही साथ स्वयं भगवान उनके हृदय में बैठ जाते हैं। कहीं भागवत हो रही है, सात दिन भागवत कथा चल रही है, आप अभी घर में है और इतने ही आप चिंतन कर रहे हैं मैं कथा सुनने के लिए जाऊं अजाऊं, पूरी सुश्रुभि सुनने की इच्छा, कथा सुनने के लिए मैं जाऊं, पूरी इतनी इच्छा करने के साथ ही साथ भगवान आपके हृदय में बैठ जाते हैं। देखो भगवान की कितने करुणा इसलिए सतो हृदय सब भगवान आपके हृदय में बैठ जाते और ये व्यक्ति मेरे कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए भागवत कथा जब प्रारंभ श्रवण करना शुरू कर देते, सुनना शुरू कर देते हैं तो भगवान उसके हृदय में प्रेम संचार कर देते। इसलिए काम मैंने कहा था तीन प्रकार के श्रोता के बारे में बताया। एक है श्रोता जो सुनते हैं वास्तव रूप में एक एक शब्द के एक एक अक्षर को एक ध्वनि सुन रहे हैं तो उसी का श्रोता कहा है। सिद्धमता सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन भगवान अच्छा शब्द ब्रह्म के रूप में श्रोता के कान में प्रवेश करके हृदय में आ जाते और हृदय में जितने प्रकार की अनर्थ है काम क्रोध आदि सब के नष्ट कर देते और स्वयं बैठ जाते। सुनील सदाम भगवान सदाम की मित्रता, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के घर में जाए और मित्र क्या कहते हैं चेयर पर टेबल में देखा थोड़ा धूल पड़ा हुआ है, अपने मित्रों के नहीं कहते ये धूल तुम झट साफ करो। जैसे मित्र अपने कपड़े देकर करके साफ करके बैठ जाते हैं उसी प्रकार भगवान कहते हैं जो मेरा नफा सुनते हैं वो मेरा परम मित्र है। इसलिए मित्र के हृदय में स्वयं भगवान कान के माध्यम से आकर के हृदय में आकर के साफ सुधार करके बैठ जाते हैं। देखो यहाँ पर कर रहे सतो हृदय और प्रतिदिन सुश्रुभी तत्क्षणा और कथा श्रवण के साथ ही साथ क्या होंगे प्रेम संचार कर दे। इसीलिए कहते श्रोता जो सुनते और दूसरी मैंने कहा एक है श्रोता, सरोता किसको कहते हैं बताया था सुपारी काटने वाले एक प्रकार जो है तंत्र विशेष होता है वैसे ही होता है लोहे का होता है काटने के लिए अच्छा वो एक प्रकार सुनता है कैसे होता है वो सुनता नहीं है वो पीछे ही बैठ जाता है और जब हमारा हाथ में लेते कुछ सुनता ही नहीं ना सुनता है दूसरे के सुनने की भी नहीं है बस पीछे बैठ करके अपना ही कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। भागवत कथा सुनता नहीं वो अपने घर संसार के बाद सुनाने सुना लग जाता है भागवत कथा सुनते हैं परचर्चा पर निंदा में लग जाते हैं दूसरे की निंदा वंदना उसमें वो लग जाते हैं तीन घंटे बस वही करने इसकी कार्यता वो सरोता नहीं है सरोता। और तीसरी मैंने कहा था और एक सरोता क्या नाम दिया उसको सोता कुंभ करने के बाद ही बात कथा में आ जाए बस बैठ करके ही सो जाते। क्यों भगवान की कथा ऐसे सुंदर है भगवान की कथा श्रवण करने से ही वो फिर नींद आ जाती। क्यों देखो जब महाराज के चार लड़कियां घूम रही है एक बार की कथा में एक बार की क्या हुई भगवान ने इलाज कर दिया घोषणा कर दी ये कोई भागवत कथा सुने तो साक्षात भगवत धाम में चले जाए मेरे धाम में आ जाए। जितने भी लोग थे पंडित लोग थे सब भागवत पाठ करना शुरू कर
बैठ गए और देखा क्या सब पापी तापी सब भगवत धाम में चलने लगे। जब महाराज देखा हमारे पास कोई नहीं आया, हमारा जमाना भी कोई नहीं आ रही, लोग पाप करके और भागवत कथा सुना, भागवत कथा सुन करके कहां जा रहे भगवत धाम। जब महाराज ने देखा हाँ मैं क्या करूं, कोई जब लोग में नहीं आ रहे। जब महाराज ने क्या की अपने सारे दूतों के बोल के सबको छुट्टी दी, छुट्टी दे दिया फैक्ट्री, भाई काम धाम नहीं हो तो फैक्ट्री कैसे चला। जैसे करीब करीब एक साल कोरोना के लिए सारे फैक्ट्री बंद हो गया, लोगों के काम नहीं, लॉकडाउन हो गया नहीं है, उस समय के लॉकडाउन हो गया, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, बड़े बड़े फैक्ट्री बैंक से लेकर के सब बंद हो गए, लोग फैक्ट्री के मालिक तनखा कहां से दे देंगे आप बताइए, कोई काम नहीं हो, फैक्ट्री बंद हो है? तो सब बंद हो गए। उसी प्रकार जब महाराज सारी उसी फैक्ट्री बंद हो गया, जमाने बंद हो गया, जब महाराज चिंता करने लगे मैं क्या करूं, मेरे पास इतने काम करने वाले जब दूतों है सब, उनके पास उनकी कोई काम नहीं, क्या करें। जब महाराज चिंतित हो गए, इतने समय जब मार के चार लड़कियां आई, कितने कितने लड़कियां आई, चार लड़कियां, कहने पिताजी क्या बात है, आजकल आप इतने चिंतित क्यों है। जब महाराज बेटे हो क्या बताऊं, अरे बताओ ना पिताजी बताइए, आप इतनी चिंता क्यों करें। जब महाराज बोले देखो भगवान विष्णु ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी, भागवत कथा सुनने से सब भगवत धाम में चले जाएंगे, और सब लोग भागवत कथा सुन करके जा रहे हैं, कोई पापी हमारे पास नहीं आ रहे, जम लोग में नहीं आ रहे, क्या इसलिए मेरा फैक्ट्री बंद हो गया। चार लड़कियां बोली पिताजी चिंता मत करो, आज से ही आपकी फैक्ट्री हम चालू कर देते हैं, जब लोग जमाला चालू कर देते हैं। बोले कैसे, देखिए ना पिताजी हम चारों जाते हैं, जहां जहां पर कथा होगी वहां पर हम पहुंच जाएंगे, एक की भी कथा सुनने की नहीं देते। कोई निर्णय व्यक्ति हो तो उसके छोड़ करके सबको हम बंद कथा सुनने बंद कर दिए। बोले कैसे, बोले देखिए पिताजी चार लड़कियां आई, जहां पर कथा शुरू हुई पहले लड़की आ चुकी है, जब आ के पहली लड़की घूम रही है, आपको तो दिखाई नहीं पड़ रही है, वो पहली लड़की आ गई, देखो कथा सुनने के लिए बैठी ना, पहले क्या आ जाती है, आलस्य आ जाती है, आलस्य समझती लेकिन जब महाराज के पहली लड़की आपके ऊपर ही सवार हो गई, थोड़ा इधर उधर घूमने लगी, फिर दूसरी लड़की वो क्या लगी, जमाई लेने लगी, जमाई से बोलते क्या बोलते हैं, माइक्रो ग्रुप बगासा बगासा प्रभाव सुनते हुए बात, तीसरी लड़की बस थोड़ा झुमकी लेने लगे है ना, कथा तो चल रही है बीच में, और चौथी लड़की बिल्कुल सुरसुरानी, बिल्कुल कैसे देखी, वक्ता वक्ते रहे बोलते रहे और श्रोता श्रोते क्या उपाय, इसलिए कथा के बीच बीच में क्या बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण की जय, भगवान के नाम दिया करो ना, देखो
और नहीं तो लड़कियां आकर के आपके बिल्कुल सुना दी। अब मंगलाचरण के तृतीय श्लोक का हम प्रारंभ कर रहे हैं। नैकमा कलम पर तरोर गलित फलम रूप मुखादम मृत द्रव संयुतम भीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावकम नैकमा कलम पर तरोर गलित फलम रूप मुखादम श्रीमद्भागवतम वेद रूपी कल्प वृक्ष की ऐसे सुंदर प्रपंक्त स्वादिष्ट और छिलका नहीं, छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, ऐसे प्रपंक्त का अत्यंत रसाल सुनिष्ट फल। और वो फल कैसे धरा नाम में आए? गुरु परंपरा के द्वारा। फिर कोई पेड़ में यदि फल पक जाए और वो फल पक के नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा ना। इसलिए कहते हैं ये वेद रूपी कल्प वृक्ष की श्रीमद् भागवत रूपी ऐसे सुंदर प्रपक्व स्वादिष्ट सुमिष्ट रसाल फल है। वो फल कैसे आ? हमारे गुरु परंपरा के निर्मल कल्पना बलि फल। और देखो वो फल ऐसे सुंदर स्वादिष्ट कैसे हो गए? सुखा सुख सुख पक्षी के द्वारा चोंच लगने पर सुख पक्षी के चोंच लग जाए और वो फल अतीब जो स्वादिष्ट हो जाता है। अर्थात सुखदेव प्रसन्न पाठ के द्वारा ये श्रीमद् भागवत वर्णन होने के नाम पे ये और श्रीमद् भागवत और भी सुंदर स्वादिष्ट हो गए। ये सुख मुखादि द्रव संयुतम श्रीमद् भागवत रसमालयम अहो ये श्रीमद् भागवत रूपी ऐसे स्वादिष्ट फल कौन पान करण करेंगे? बोले एकमात्र भावुक साधक रसिक और भावुक साधक रसिका होगी भाव साधारण लोगों के लिए नहीं कहा समझ नहीं पाए। इसलिए कह रहे पीवत भागवत रस मालम मुंह रहो रसिका होगी भाव का। ये कब तक पाठ करते रहे श्रीमद् भागवत महान रसमान फल? बोले जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हो जाए तब तक ये भागवत कथा की श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहे। जिस प्रकार इस संसार में हम कहते हैं देखो एक व्यक्ति शराब पीते हैं मदिरा पान करते हैं कब तक वो मदिरा पान करते हैं? जावत न पते। देखो ये शराब पी होते जब तक वो ड्रिंक करता है वो कब तक ड्रिंक करता रहता है? बोले वो शराब पीते पीते जब तक वो पड़ नहीं जाए गेहूं से होना जाए तब वो पीता रहता है। ये उदाहरण दे रहे ठीक कातु में श्रीमद् भागवत की कथा कब तक हम श्रवण करते रहे पीते रहे? और उपदेश विभक्त करना पीटे कुटेश ये श्रीमद् भागवत रूपी महान अमृत को कब तक हम पीते रहे कारण के द्वारा? न जब तक हमारी हृदय में प्रेम उत्पन्न न हो जाए। प्रेम उत्पन्न हो जाए तो आप मूर्छित हो जाए फिर पुनः पुनः किंतु कार्य के निमित्त ही कहते हैं सुन्नतां सकथा कृष्ण पुनः श्रावण कीर्तनम भगवान के ऐसे अमृत कथा को
से मृत कथा। इस कथा को कौन सुनना नहीं चाहते, पर सभी लोग सुनना चाहते हैं, भागवत सुनना चाहते हैं। एक ही व्यक्ति सुनना नहीं चाहते, बोलो जिस राजे अत्यंत कठोर हृदय वाले वैर शिकारी जो पशु हत्या करते मेरे तत्से उपगीय सदा स्त्रोत्र मन को विराम कहूतम श्लोक गुणा उमान विराजे बिना पशुग्राम। संसार से निवृत्त होकर के यानी संसार की असार जान करके असार संसार दुख की विमोह संसार को असार जान करके संसार में कोई सार दुख नहीं है, सब दुखमय है। असार को संसार दुख दुखी और दुख दुखी है, इस संसार में कोई सुखी है, कोई सुखी नहीं, दुख दुखी है। काल नहीं की बात है, दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे हम भी सुखी नहीं है, जो हरि भजे वही सुखी। देखो संसार के अमित जान करके मैं छोड़ दिया और हम ब्रह्मास्त्री जप करने वाले था, किंतु मैं जब ब्रज में आया और ब्रज की धुरी पर सहने के साथ ही साथ मेरा चित्त है क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मैं अहम ब्रह्मास्त्री मंत्र को छोड़ करके बस क्या जप किया, देखो एकमात्र परम पुरुष कृष्ण मेरा हृदय को हरण कर लिया, मैं उनकी ही दासी की दासी बन गई। केना की सटीना वयम हटेना दासी पिता गजवधु बेटे, और तब से मैं अहम प्रमाण में ब्रह्म हूं। इस कथा को छोड़ करके मैं क्या करता हूं, Hello, Radhe, Radhe, Radhe. Thank you.
ये वास्तव रूप में श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद नित्य गुरु वृंदावन धाम में राधा जी की अत्यंत प्रिया सुख पक्ष है। और बोलो ना सुखदेव गोस्वामी के रूप में आदरणीय परीक्षित महाराज के सभा में भागवत कथा को श्रवण कराया है। इनके जीवन चरित इसी प्रकार हमारे आचार्य उपाध वर्णन करते हैं। नित्य गुरु वृंदावन धाम में स्वयं राधा जी ये सुख पक्षी के गए अपने हाथ से सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के दाना को जो है काजी गोपा मणिबिंद रस सूपम बाजो बकायु संस्मृति राधिका सुंदर सुंदर लाल लाल अनार की जो दाना अनार के दाना भी लाल लाल होते हैं देखने में तो सुंदर होता है और खाने भी स्वादिष्ट भी उसी एक एक दाने को जो है अनार के दाने को राधा जी सुख पक्षी को जो है खिला रही है। और क्या कर रही है गोविंद दामो करमा बेटी गोविंद दामो करमा बेटी ये सुपक्षी मिला। कृष्ण बोले देखो
पक्षी किसको थोड़ी होता है, एक पक्षी 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 जो है आकाश में उड़ने वाले हैं, कहीं पर बैठ जाता है पेड़ तुम्हारे पेड़। राधा जी बोले नहीं नहीं मैंने तो पाला पोसा, ये मेरी पक्षी है। इसलिए कृष्ण राधा जी बोले मेरी है, कृष्ण बोले मेरा। इतने समय मां यशोदा आई, मां यशोदा ने किया कि कृष्ण के हाथ से पोते को छोड़ दे लिया, चुप पक्षी को ले लिया और लेकर के राधा जी के हाथ में दे दी, और राधा जी वो पक्षी को लेकर के बरसाने में आई, और पक्षी कृष्ण के सिखाए हुए कोई बोली राधे राधे नाम जप करने। राधा जी बोले नहीं मेरे नाम जप मत करो, क्या नाम जप करो, तुम कृष्ण नाम जप करो। सुख पक्षी बोले द्रोणी मुझे शिक्षा दी, एक मंत्र दिया और एक शिक्षा दिया, राधा जी ने मुझे मंत्र दी कृष्ण मंत्र दे दिया और कृष्ण ने मुझे राधा मंत्र दे दिया, दोनों शिक्षा दो शिक्षा दो। इसे सुख पक्षी दोनों मंत्र जाप करने लगे, कृष्ण नाम और राधा नाम है। क्या नाम जाप किया, हलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। Thank you.
बताता मैं इसलिए इस कथा को कहते हैं अमर कथा भी कहते हैं भागवत कथा को क्या कथा कहते हैं अमर कथा संत सिद्धि इसी कथा को नहीं करेगा पसंद नहीं
भगवान ये पर प्रकट हो जाए और मुझे वचन दे तो मैं माफी घर से निकल कर जाऊंगा। उस समय व्यासदेव ने धनस्थ होकर के बुलाए, श्री कृष्ण के प्रकट कराया और श्री कृष्ण ने कहा ये देखो एक सरसों के दाने जो है ना सिंह पर गाय के सिंह पर छोड़ देने से जितने समय तक कर सकते हैं उतने समय तक तुमको बमात्री गर्भ से निकालना पड़ेगा। सुख बोले ऐसे ही होगा। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी मातृ गर्भ से निकल करके आपके बस दौड़ने लगे जंगल के तरफ, जिसमें सुत गोस्वामी पार भ्रमण कर रहे हैं। जन्म प्रजन्म मंडे कवेद वित्तम दैवायम विरह कातो राजवाम पुत्रे जी तन्ना करो विनेम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमाम करो कस्मिन। सुत गोस्वामी पार गाली हैं ये समकार भी किसी का सुनो मेरे गुरुदेव कोई साधारण नहीं है। मातृ गर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ ब्रह्म चिंतन करते हुए जंगल के तरफ प्रवेश किया। जन प्रवचन तो मुंडे तो एक पुत्र वही पाया ना विरह काल आज आहो पुत्रे जी तन्या करो भी ने तो तम सम्भूत हृदय मुनि मान को श्री जिनकी दर्शन से पशु पक्षी पेड़ पौधे सब प्रेम में सर्वर हो गए। जिनके दर्शन से है जिनकी कोई किसी प्रकार संस्कार नहीं नहीं है बिल्कुल सौ साल बालक के भांति जटा जो बेसहारी ऐसे नंगे धड़के होकर के चले हो ऐसे सुखदेव कृष्ण और उस समय वैष्णव उसके पीछे पीछे आने लगे हा पुत्र करके दौड़ने लगे किंतु सुखदेव कृष्ण पास एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा ना कुछ उनके साथ बढ़ने लगा। सुखदेव गोस्वामी पाद अब चलने लगे रास्ते में कुछ स्त्रियां जो है विवस्त्र होकर के स्नान कर रही किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद चले गए उनकी भी कुछ लज्जा मिली ना सुखदेव ऐसे बनना जन्म प्रवचन तो मुंबई तो अभी तो कृतम दैवा विरह काल राजभाव पुत्रे की जन्म करो भी नहीं तुम तम सर्वभूत हृदय मुनि मान अहो ऐसे मेरे गुरुदेव सब हृदय में विराजमान है। गुरु सत्य बता रहे साक्षात गुरुदेव भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में ही विराजमान है। ये सुखदेव वही सुखदेव के संग बात परीक्षित महाराज की सभा में उपस्थित हुए। जब परीक्षित महाराज समित ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा अभिशप्त हो गए एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में गए शिकार करने के लिए। गर्मी के समय था चारी तरफ घूमते घूमते वो कृष्णार्थ होकर प्यास लग गया। देखा था एक ऋषि के समित ऋषि के आश्रम उस समय समित ऋषि ध्यानस्थ हैंड में बैठे हुए थे किंतु महाराज परीक्षित उनके निकट जाकर के बोले मुझे पानी पिलाओ मैं राजा हूं मैं राजा हूं मुझे पानी पिलाओ। किंतु उस समय समीक ऋषि ध्यान में थे। परीक्षित महाराज देखा क्या ये ऋषि कभी है साधु नहीं है मुझे देख करके आंख बंद करके ऐसे बैठी गई अहंकार में चूर्ण होकर के परीक्षित महाराज ने क्या की क्रोधित हो गया। निकट में देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था अपने तीर से उसको उठाया सांप और समीर ऋषि के गले में डाल दिया। राजा के सम्मान नहीं करते ऐसे करके चल गए और ठीक उसी समय उसकी पुत्र
छोटा बालक श्रृंगी, छोटा बालक समझ लीजिए पुत्र श्रृंगी। किसी ने कहा कि श्रृंगी देखो देखो तुम्हारे पिता के घर में किसी ने मरे हुए सांप को देख लिया। छोटा बालक श्रृंगी आकर के देखा सचमुच अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सांप लटका। देखते ही छोटा बालक ने सांप दे दिया, जिसने मेरे गले के पिता ने ऐसे मरे हुए सांप को लटकाया, 7 दिन के बाद तक्षक आकर के उसके डांसे का और उससे उसके मृत्यु इतने समय सभी ऋषि ध्यान से उठे। ध्यान से उठते ही देखा क्या उनके गले में मरा हुआ सांप और उनके बालक छोटा बालक श्रृंगी कहने के पिताजी जिसने आपके गले में ऐसे मरे हुए सांप को दे गए लगाया मैंने तो साफ दी। 7 दिन के बाद तक्षक आकर के उनको डांसेगा और उसे से श्री कृष्ण ने कहा बेटा हम साधु हैं, साधु के ऐसे करना उचित नहीं है, किसी को हिसाब देना उचित नहीं। बेटा तुमने ऐसे क्यों कहा? श्री ने कहा पिताजी जैसे मैंने जो मुंह से जो वाक्य निकल गए तो गई, जैसे तीर जैसे धनुष से बाहर चले गए वापस नहीं आता है, समझते हैं? ठीक उसी प्रकार मेरे मुख से तो बाहर शब्द निकल गए। क्या उस समय समीर ऋषि ध्यान तोड़ करके देखा, ओ महाराज परीक्षित आए थे मुझे पानी मांगा किंतु मैंने नहीं दिया और मेरे बाबा ने हिसाब दिया। कभी बेटा तुमने क्या कर दिया? राजा यदि नहीं रहे हम संत महात्मा कैसे भजन करेंगे? बात सही है कि राजा देश को रक्षा करते हैं, शत्रु से रक्षा करते प्रजा के पुत्रवत पालन करते हैं, राजा के लिए अच्छी हो प्रजा सुख में रहती है, और राजा यदि रावण हो असुर हो तो सात संत महात्मा प्रजा को कैसे रहे? रामायण में कथा प्रसंग आता है रावण जैसे दुष्ट असुर बोले सबसे टैक्स लेकर के आओ, धनी गरीब से लेकर टैक्स लेकर के आओ, रावण के अनुसार समस्त रूप से सबसे टैक्स लेकर के आए। रावण ने कहा क्या संत महात्मा से टैक्स लाए कि नहीं लाए? रावण के अनुसार कहने लगे महाराज संत महात्मा के पास तो पैसा ही नहीं है टैक्स कहां से देंगे? रावण ने कहा नहीं हमारे राज्य में कोई भी रहेगा सबसे टैक्स सबको टैक्स देना पड़ेगा, जाओ संत महात्मा के पास पैसा नहीं है तो उसे खून लेकर के आओ। देखो असुर की वृत्ति क्या है, साधु से भी टैक्स लो कैसे खून ले आएंगे। इसलिए रावण बड़े बड़े जितने भी संत महात्मा थे सबको खून ले तो ये कहते हैं असुर से यदि राजा हो जाए सिंहासन बैठे प्रजा लोग कैसे रहे? और विशेष करके कलयुग, कलयुग में कहीं यदि असुर राजा हो जाए प्रजा लोग देश छोड़कर भागते हैं कहां जाएंगे आप सब? उसी प्रकार कहने लगे समीर ऋषि कहने लगे बेटा तुमने क्या कर दिया? महाराज परीक्षित धार्मिक है ऐसे राजा की तुमने हिसाब दे दिया ठीक था क्या तब? तो उस समय समीर ऋषि ने परीक्षित महाराज के निकट जाकर के समाचार दिया महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुई? मेरे बेटा ने श्रृंगी ने आपको हिसाब दे दिया, 7 दिन के बाद तक्षक आकर के आपको गांधी का गांधी की समाधि। इस कथा को सुनते ही परीक्षित महाराज ने ओहो
नीचे ही चले जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इस जगत में कोई वस्तु खरीद करने जाए गारंटी कार्ड दिया जाता है, इतने दिनों के बाद अगर खराब हो जाए हम रिपेयर कर देंगे, पर नया दे देंगे। कंप्यूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे, कुछ भी खरीदे, कितने मानव शरीर के गारंटी क्या है? कोई गारंटी है? आप बताओ, हार्ट फेल हो जाए यहीं पर खड़े रहते हैं, सांस के विश्वास नहीं है, सांस के विश्वास नहीं है, शरीर से प्राण भी निकल जाएगा। और आजकल जो वायरस की कथा आ रही है, एक साल डेढ़ साल से आप सुन रहे हैं, कोरोना हो जाए बात गए कोरोना में, है कि नहीं? कितने रोगी चले गए आप बताओ, सांस कष्ट हो गया बस वेंटिलेटर में रहे और वहीं से बाकी से नहीं आए, कोई गारंटी नहीं है। किंतु परीक्षित महाराज कह रहे हैं साधु साधु आओ, सात दिन मैं जीवित रहूंगा। उस समय परीक्षित महाराज ने सारे लोगों के बुलाया, साधु को बुलाया, कर्मी साधु, ज्ञानी साधु, जोगी साधु, भक्त साधु, सबों को बुलाया। सब साधु ने अपने अपने भी मत दिया, कर्मी लोग कर्मी साधु बने लोग, महाराज परीक्षित आपके पास अगाध धन है, दान कर दीजिए पुण्य के लिए, पुण्य के फलस्वरूप आप शरण में जाओगे, सर्वलोक में जाओगे। ज्ञानी साधु करे महाराज वेद और धन कीजिए, मुक्ति धाम में चले जाएंगे आप, मुक्ति हो जाए। योगी करने के महाराज जो तपस्या कीजिए, जो करेंगे परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा साधु की प्राप्ति हो जाए। देखो भक्त साधु कहने लगे नहीं, ये मतलब भक्ति का। ठीक उसी समय परीक्षित महाराज की सभा में कौन आ गए? सुखदेव गोस्वामी पास। जिस सभा में बड़े बड़े साधु बैठे हुए थे, वैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पिताजी वैसे भी बैठे हुए थे, उनकी दादा ग्रैंडफादर पराशर ऋषि वैसे के पिता पराशर ऋषि भी बैठे थे, पिताजी दादाजी सब बैठे हुए थे। यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि लोग बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए। उसी सभा में जब सुखदेव गोस्वामी पास जब प्रवेश किया नंगे धड़ल्ले, सभी ऋषि लोग संत महात्मा सब खड़े होकर के सुखदेव गोस्वामी पास के ऊंचे आसन पर बैठाया है। और परीक्षित महाराज उसी समय ये प्रश्न पूछा, ये मरने वाले व्यक्ति के कर्तव्य क्या है, ये मान मुझे बताइए। उस समय सुखदेव गोस्वामी पास एक श्लोक के द्वारा बता दिया, एकम नृत्यनाम इच्छताम भूतो भयम् जगिनाम विनिर्मितम् हरिनाम अनुकीर्तनम्। अहो सुखदेव गोस्वामी पास कहने लगे, महाराज परीक्षित सुनिए, बड़े बड़े भक्त जोगी जो निर्णय दिया, कंक्लूजन दिया, हे महाराज आपके निकट वही मैं कहता हूं, क्या हरे नामानुकीर्तन, ये सात दिन और सात रात केवल आप जो भगवत नाम रूप कथा चिंतन स्मरण करें, क्या करें? भगवत कथा श्रवण, भागवत कथा श्रवण है, कीर्तन स्मरण है, भागवत कथा श्रवण यानी चिंतन है। हमारे भगवाचार्य जी कहते हैं भागवत कथा को कीर्तन करने श्रवण करने ये सब स्मरण में आ जाता है। बोले कीर्तन करने से तीन ही आ जाता है, श्रवण हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है और स्मरण हो रहा है। भागवत कथा में तीन आ जाता है, श्रवण सुनना हो जाता है, कीर्तन भी हो रहा है और स्मरण भी हो रहा है। परीक्षित महाराज प्रसन्न हुए और उस सभा में जितने लोग थे सब
सभी साधु साधु बात कर रहे हैं और अंतर सुखदेव स्वामी पाद परीक्षित महाराज को सात दिन सात रात 24 घंटे 24 और 7 24 × 7 कितने हो गया सारी कथा में सुना जानते नहीं 24 × 7 कितने हो गया 24 घंटा उसके बारे में
पूछा आप आत्मा हरि जिसमें प्रसन्न हो वह स्वतत्व सार क्या है इसलिए कृपया तीसरी प्रश्न यह पूछा वासुदेव स्वयं भगवान जिस कार्य के लिए देवकी गर्भ से जन्म हुए वो कथा मुझे श्रवण कराइए। चौथा प्रश्न यह था स्वयं वासुदेव भगवान और उनकी अवतार की बाह्य यानी लीलाओं की कथा हमें श्रवण कराइए। पांचवा प्रश्न यह था भगवान वासुदेव कृष्ण की जसो महिमा कीर्तन हमें कथा अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण और बलदेव की लीला कथा हमें श्रवण कराइए। छठा प्रश्न यह था जब कृष्ण इस धरधाम में लीला करके अपने स्वधाम में चले गए और उस समय धर्म किसको आश्रय दिया ये मुझे ये छह प्रश्न पूछा था। ये छह प्रश्न ही श्रीमद् भागवत की सारी तत्व बताएंगे। अभी इस कथा को आपके निपट आधी कथा को हम प्रस्तुत करते हैं। ये पहली जो प्रश्न था मनुष्य की स्त्रीय वस्तु क्या है दो वस्तु कहते हैं स्त्रीय और प्रिय। प्रिय क्या कहते हैं संसार में तो अच्छी लगते हैं इसको प्रिय कहा जाता है जैसे माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र खान पान अनेक प्रकार के एंटरटेनमेंट को अच्छा लगता है इसको प्रिय कहा जाता है। स्त्रीय वस्तु क्या है आत्मा की जान वस्तु उसके प्रिय कहा जाता है उसके स्त्रीय कहा जाता है आत्मा की प्रिय दूसरी प्रश्न आत्मा प्रसन्न किसमें होता है सवयं परो धर्म जतो भक्ति अहेतुकी अप्रतिरता व्यात्मा संप्रसीदति आत्मा प्रसन्न भगवत प्रसन्न होता है कि भक्ति के अनुशीलन करें सवयं परो धर्म जतो भक्ति अदस्करे अहितु की अप्रतिरता ज्ञात्मा देखो भक्ति क्या है भक्ति यानी सेवा भक्ति भजते सेवते इति भक्ति भगवान की सेवा ही भक्ति है। अन्ना विलासित सुन्न ज्ञान कर्मात्मा प्रीतम आनुकूलेन पिष्टानु शिरण भक्ति उत्तमा सब ये उत्तम भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति कृष्ण अनुकूल वही सेवा और कृष्ण रोचमाना कृष्ण की सुख की स्थिति उसी भक्ति का कृष्ण प्रसन्न किसमें सर्व स्वरूपादि निर्मुक्त तत्प्रत निर्मलम ऋषिकेश सेवना भक्ति रुचते भक्ति के अनेक डिफिनेशन है तो भक्ति है भगवत सेवा और जिसमें भगवान प्रसन्न हो भगवान किसमें प्रसन्न है कोई उनकी सेवा करे जैसा आप कथा सुन रहे हैं ये सेवा कहा जाता है श्रवण सेवा कहा जाता है इसे क्या सेवा कहते हैं श्रवण सेवा सुन रहे हैं श्रवणं कीर्तनं कृष्णं स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दर्शन संकल्प वेदनं भीतरि पुंसाता विष्णु भक्ति स्केत नवलक्षणा नविदा भक्ति का है श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दर्शन संकल्प वेदनं ये सेवा का एक एक भक्ति के द्वारा एक एक भक्त प्राप्त करता है श्रवण एक परिचित महाराज भगवत कथा श्रवण करके परिचित महाराज भगवान को प्राप्त कीर्तन में भैया सती सुखदेव के स्वामी पा स्मरण में प्रहलाद श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम लक्ष्मी देवी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम पृथु महाराज अर्चन मंगन मंगने अक्रूर वंदना
देखो एक-एक भक्त एक-एक भक्ति के अंग पालन करके भगवान इसलिए आप जो भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं ये श्रवणात्म भक्ति का है क्या भक्ति का होता है श्रवणात्म श्रवण भक्ति का क्या माना जाता आगे की कथा हम श्रवण कर वर्णन करते हैं वो सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा
भक्ति सुवह भक्त समयन पुरि जायते सत्संग प्राप्ते भूमि सुकृति पूर्व संचितै अनेक जन्म की सुकृति जब इकट्ठा हो जाता है तब हम सत्संग इसे देखो जी इसे कबीर देव कर लिए बा सदा सर्वदा सत्संग में रह करके ही हरि कथा श्रवण और इसे पहले आनंद भक्ति फिर भाव भक्ति और अंत में प्रेमा भक्ति इसके पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के अनेक कथा श्रवण कराया उससे विशेष करके हम ध्रुव चरित के कथा ध्यान देंगे ध्रुव प्रहलाद अमृत ये भागवत की विशेष मुख्य चरित्र माना है ध्रुव के मन उत्थान पाद राज उत्थान पाद के दो पुत्र दो पत्नी एक सुनीति और एक सुनिधि सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुनीति के पुत्र हुए तम उत्थान पाद राजा अपने छोटी पत्नी सुनीति के प्रेम में बसी हुई थी रोज वाली थी देखने में सुंदर थी उसके प्रेम में बसी हुई थी एक दिन उत्थान पाद राज सिंहासन में बैठे हुए थे और सुनीति के पुत्र ध्रुव राजा उत्थान पाद के गोद पर बैठने के प्रयास किए और इतने समय सुरुचि ने देखी ध्रुव के हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया और उंगली पकड़ करके शासन पे लगा कर लगे गुर ध्रुव तुम पिताजी के गोद पर बैठना चाहते हो जानते हो पिताजी के गोद पर बैठने के लिए तुम्हें पहले मेरे गर्भ में जन्म लेना है और मेरे गर्भ में जन्म लेने के लिए तुमको भगवान श्री हरि नारायण की उपासना करना पड़ेगा और नारायण के उपासित तुम तब मेरे गर्भ में जन्म और फिर पिताजी के गोद पर बैठ सकते देखो इतने शब्द बोल दिया सुनिजी और ध्रुव के हो गया क्रोध ध्रुव आकर के अपने गृह में कक्ष में दरवाजा बंद करके रोने लगे रात हो गई उनकी मां सुनी थी सपत्र खोजा ध्रुव का मिल मिले गई दरवाजा खटखटाया ध्रुव 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 दरवाजा नहीं खोला बहुत कष्ट से सुनीति ने दरवाजा खोला ध्रुव रो रहे थे बोले क्या हो बोले माता सुरुचि ने ऐसी बात कही तो उस समय सुरुचि ने कहे सुनीति ने कही बेटा बात सही है तुम पिताजी के गोद पर बैठने से फायदा क्या है एक दिन तुम्हारे पिता भी चले जाएंगे इस सिंहासन भी चले जाएंगे अरे परम पुरुष स्वयं भगवान के गोद पर बैठो तो सृष्टि का और भगवान के गोद पर बैठने के लिए भगवान की आराधना करो अच्छी बात है देखो सुनीति के इतने बात सुन करके ध्रुव ने कह दी रात को रात घर से बाहर चले गए वरी के खोजने के लिए भगवान श्री हरि काम के लिए इतने समय भगवान श्री हरि ने नारद जी के प्रेरणा दी सदगुरु नारद जी की प्रेरणा दी नारद जी आ गए नारद जी आपके ध्रुव के कहा ध्रुव अरे घर लौट करके जाओ जब बड़े हो जाओगे तो भजन करोगे ध्रुव ने कहा ये बता कोई गारंटी है कि वृद्धाकाल हो जाए भजन करें वृद्धाकाल में भजन होता है आप बताइए हाथ उठाइए वृद्धाकाल में भजन नहीं होता है वो तो जाने जितने दर्द आ जाता है 60 साल के बाद कलयुग के मनुष्य के 60 साल हो जाने के बाद सठिया पड़ जाता है कमर में दर्द हो जाता है स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है और जितने बीमारी सब आकर के घेर लेते सुगर से लेकर के क्या क्या डायबिटीज सिर में दर्द पैर में दर्द घुटने में दर्द 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 सब दर्द हो जाता
क्या मर
देखो आम की परत पड़ते ही ध्रुव मंत्र समाप्त करके बस छलांग लगाई और ध्रुव लोक में चले गए। बोलो ध्रुव महाराज की जय। इसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ध्रुव महाराज के चरित्र कथा श्रवण कई यदि मंत्र जप करे गुरु से मंत्र ले तो मंत्र बैठ नहीं जाए। विशेष करके ये सारा मंत्र है, क्या मंत्र है एक बार जप करिए। ओम नमो भगवते वृंदावन ज्ञानी नाम की जय।